अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो उसको सुनने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं नई कहानी। ये कहानी है सुमैया और उसकी झूले की। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम सुमैया था। सुमैया बहुत प्यारी लड़की थी। सुमैया के घर के पास बाग था। इस बाग में बहुत से दरख्त थे। इस बाग के एक दरख्त पर सुमैया और उसकी दोस्त ने एक झूला लटकाया हुआ था। वो झूला सुमैया और उसकी दोस्त का था। वो दोनों रोज़ाना झूला झूलती। सुमैया को झूला बहुत पसंद था। आयशा सुमैया को झूला देती और खेलते। एक दिन आयशा अपने मामू के घर चली गई। सुमैया झूला झूलने बाग में आई तो देखा कि सुमैया को झूला झूलाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। सुमैया बहुत परेशान हुई क्योंकि उसकी दोस्त आयशा दादी के घर गई थी और अपनी दोस्त को बहुत याद कर रही थी। सुमैया के पास एक चिड़िया आई और कहने लगी, प्यारी आयशा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें झूला दूंगी। तुम सच बोलती हो और बहुत अच्छी बच्ची हो और अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। चिड़िया सुमैया के झूले को हिलाने लगी। सुमैया बहुत खुश हुई और इन दोनों में दोस्ती हो गई। दूसरे दिन जब आयशा अपने मामू के घर से आई तो वो भी सुमैया और चिड़िया और आयशा तीनों दोस्त बन गए और तीनों बाग में इकट्ठे खेलने लगे। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।